क्या सोनाक्षी की शादी में नहीं शामिल होंगे पिता शत्रुघ्न? क्या सोनाक्षी की शादी से खुश नहीं है सिन्हा परिवार? सोनाक्षी के अंकल ने किया बड़ा खुलासा। बता रहे हैं कि सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी जो कि 23 जून को होने वाली है। सोनाक्षी जहीर इकबाल को काफी टाइम से जो कि डेट कर रही थी, लेकिन उसके बाद सोनाक्षी अब जो कि जहीर से शादी करने जा रही है। इस शादी को लेकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की खबरें भी देखने को मिल रही है। क्या है पूरी सच्चाई, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सोनाक्षी के अंकल जो कि प्रहलाद निहलानी ने कंफर्म किया है कि पिछले दिनों एक इंटरव्यू जो कि सामने आया था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने शादी की खबर न होने की बात कही थी। इसके बाद परिवार में अनबन की खबरें सोशल मीडिया पर छा गईं और इसी बारे में एक इंटरव्यू के चलते प्रहलाद निहलानी ने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा तकरीबन 3 महीने से जो कि चुनाव की वजह से जो कि मुंबई से बाहर है। शत्रुघ्न की बीवी पूनम सिन्हा, उन्होंने सोचा होगा कि वह जब वापस आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे। अब वह आ गए हैं और सोनाक्षी और उनके बीच सब सही है। बता रहे हैं कि जब पूछा गया कि क्या सोनाक्षी से शादी की बात ना बताने पर शत्रुघ्न सिन्हा नाराज है, तो प्रहलाद निहलानी ने कहा कि लेकिन वह ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकते। सोनाक्षी के साथ तो नहीं, वह उनकी लाडली बेटी है और शादी नहीं अटेंड करने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। बता रहे हैं कि शत्रुघ्न ने कहा कि बच्चे जो बात करते हैं इजाजत नहीं लेते, वह क्यों नाराज होंगी? यदि सोनाक्षी अपनी पसंद के लड़के से शादी कर रही हैं, तो इससे पहले सोनाक्षी की शादी को लेकर शत्रुघ्न ने कहा था कि शादी के बारे में उनको कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू के चलते कहा कि मैं अभी भी जो कि दिल्ली में हूं और चुनाव के चलते मैं अभी घर नहीं आ पाया हूं। मैंने बेटी की शादी के बारे में किसी से बात भी नहीं की है और आपका सवाल है कि वह शादी कर रही है, तो इसका जवाब है उन्होंने मुझे किसी से कुछ नहीं बताया और मैं भी उतना नहीं जानता हूं कि जितना मीडिया में मैंने पढ़ा है। यदि वह मुझ पर भरोसा करेंगी तो मैं और मेरी पत्नी कपल को जो कि आशीर्वाद देने जरूर जाएंगे। बॉलीवुड से जुड़ी और ऐसे ही अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।